अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हो सब? तो वेलकम हो गया आप लोग का न्यूट्रल पॉट्स में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज, कसौटी नॉट जिंदगी की। इसके अंदर आपने जो पर्सनैलिटीज होंगी, सेलिब्रिटीज होंगी, उनको गेस करना है। नाम से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, कसौटी जिस तरह खेलते हैं बस उसी तरीके से है। फहद भाई जो है वो हमारे होंगे जज, तो मैं और उमर भाई जो है वो गेम खेलेंगे, तो फिर हम करते हैं स्टार्ट। तो जी फहद भाई, करें स्टार्ट गेम? जी बिस्मिल्लाह करें। तो जैसे जैसे हम गेम खेलते जाएंगे तो बोर्ड सर्वे को भी पता चलता जाएगा कि क्या रूल्स है और किस तरीके से है ये। उनको ये बताया ना कि ऑफ द रिकॉर्ड तो आप लोग बहुत ज्यादा मतलब राइवल हैं दूसरे के गेम में, तो इसलिए हमने सोचा कि ये जो है ना सीरीज स्टार्ट ये प्रेजेंट की जाए ये चीज। बिल्कुल, फहद भाई ने कहा कि यार आप लोग जो ये ऑफ कैमरा खेलते हैं तो आप इस गेम को बोर्ड सर्वे के साथ भी शेयर करें, ऑन कैमरा इसको लेकर आए। तो जी फिर फार भी करें स्टार्ट? जी करें स्टार्ट। फिर करें तो फिर हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं पर्सनैलिटी जो है वो मैंने सोच ली हुई है अपने जहन में, और 20 क्वेश्चंस है, उमर भाई ने गेस करनी है वो पर्सनैलिटी। और मैं फार भी क्योंकि हमारे जज है तो मैं उनको पहले ही बता रहा हूँ कि ये वाली पर्सनैलिटी है, ताकि आप लोग बाद में ये ना कहें कि चीटिंग हुई है कोई इस तरीके से। तो जी फादर के सामने जो है वो अच्छी राइटिंग में लिखी है आप। तो जी ये मैंने लिख दी है, ठीक है ना फादर? ठीक है। तो फिर जी उमर भाई, मैं तो बड़ा कोई वो इंटेंस किस्म का मार्का देखना चाह रहा था, मतलब मुझे ये लग रहा है कि उमर वुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द पर्सनालिटी। अच्छा जी, तो फिर हम करें स्टार्ट? करें, हो गया भाई। अच्छा जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि जिंदा पर्सनालिटी है अभी? जी ठीक है। और इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से? जी ठीक है। मर्द है कि औरत? मर्द है। ठीक है, ये हो गए 3 क्वेश्चंस। अब प्रोफेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, तो उनका जो ताल्लुक है वो स्पोर्ट्स से? इनडायरेक्टली स्पोर्ट्स से लिंक है और रहा भी है, और मतलब वो तो ऑब्वियसली फिलहाल नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स से ताल्लुक इन द सेंस कि उन्होंने कभी क्रिकेट वगैरह नहीं खेली डायरेक्टली, यही होता है स्पोर्ट्स के साथ। क्रिकेट नहीं खेली हमारे, मतलब स्पोर्ट्स के साथ भी उनका, लेकिन अगर आप खेलने की बात करें तो उन्होंने वजह शोहरत कोई और है। वजह शोहरत कोई और है। ठीक है, 4 सवाल ठीक हो गया। अच्छा, कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है, सोचें। अच्छा, इनका ताल्लुक किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से? ठीक है। आपने कहा जी के वजह शोहरत उनकी जर्नलिस्ट है और जर्नलिज्म में आगे ना, ठीक है। ये अभी जो वर्ल्ड कप हमारा चल रहा है इसमें किसी चैनल के साथ ये एसोसिएटेड रहे हैं? नहीं, ये जिस तरफ जा रहे हैं ना। हाँ नहीं, वो ये गलत तरफ चल पड़ा है। गलत तरफ। नहीं, चलें, कोई नो प्रॉब्लम, वी हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, गेस करते हैं। 6 सवाल हो गए। कर लोगे उमर भाई, आप कर लोगे? चलें, कोशिश करते हैं। मैं इतना सोच के भी क्या निकाला यार, अभी वो देखे ना कि एपिसोड तो जिंदा है, क्रुशियल होनी चाहिए थी। जिंदा है, पाकिस्तानी है, मर्द है, स्पोर्ट्स से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, जर्नलिज्म से ताल्लुक है, और जर्नलिज्म से एसोसिएटेड किसी चैनल के साथ नहीं है। अच्छा, ये इनको कोई मेन स्क्रीन जो प्रोग्राम दिया जाता है उसमें इनको एज अ गेस्ट बुलाया जाता है? यस। ठीक है, इनका ताल्लुक जियो न्यूज़ से? नहीं। रिसेंट पूछ रहे हैं आप? हाँ, जो अभी शो कर रहे हैं। नहीं। 8 सवाल हो गए।
अच्छा इनका ताल्लुक जीएनयू से नहीं तो वो सारी पर्सनालिटी मिनिमाइज होगी, मिनिमाइज नहीं एलिमिनेट होगी। हाँ वही। अच्छा जी हमने एज का तो तय्यून किया नहीं, तो हमने करना होता करना। अच्छा मुझे बताएं इनकी जो एज है अबव 40 है? यस। ओके ओके 9 + 40 अबव एज। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी इनका ताल्लुक समा चैनल से है? समा में आजकल मेरे ख्याल से समा में नहीं है। आप चेक कर ले, जट किसी में है ही नहीं, जट साहब चेक कर लेते लेकिन समा से नहीं। नहीं जट साहब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मतलब यार मैंने कहा जज साहब। अच्छा जज साहब है, समझो आप जट साहब कह रहे हैं। 11 क्वेश्चन समा न्यूज वाला नहीं है? नहीं मेरा ख्याल आर्टिकुलेशन मीडिया के साथ इनका ताल्लुक है। अच्छा अच्छा इनका ताल्लुक कभी कभी सियासत और हुकूमत वाली साइड से भी रहा है, मतलब कि जर्नलिज्म उस टाइम? बिल्कुल रहा है। ओके 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 बिल्कुल रहा है। ओके ओके रिसेंटली ये अभी आए हैं किसी सैर सपाटे घर के किसी जगह से? यस। ओके 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 और अभी फिलहाल ये कोई जर्नलिज्म नहीं कर रहे, मतलब कि मेनस्ट्रीम कोई प्रोग्राम नहीं? ये 15 क्वेश्चन हो गए ना तुम्हारे? जी जी 15 होंगे, मैं थोड़ा सा वो नैरो डाउन कर रहा हूं पहुंच गए। आप ये देखें कि ये YouTube पे काफी फेमस पर्सनालिटी भी रही है। ये YouTube पे? हाँ यार, नहीं YouTube नहीं कह सकते, YouTube की फेमस पर्सनालिटी नहीं है। हाँ ये नहीं आप कह सकते। अच्छा 16 क्वेश्चन, मतलब ये कि अगर कोई बंदा इनका प्रोग्राम कर दे अपलोड तो वो एक खुद वैसे तो वो YouTube पर नहीं करते ना, नहीं है उनका। अच्छा ये तो आपने फिर मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं तो जिस तरह जा रहा था कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के हम नाम की तरफ मैं जा रहा था, तो ये तो फिर वो फिर ये कौन गलत हो गया, ये तो किसी और तरफ ही चल पड़ा है। कहीं और चला गया, मैं कहीं और चला गया, इधर से वापस आना मुश्किल है, चार सवाल में चार सवाल रह गए। चले जी आप गलत जगह चले, मैं गलत जगह चला गया, आप 2-3 सवाल मैंने इसी में जाया कर दिया कि मैं उधर चला गया वो। चले 16 क्वेश्चन हो गए, कोई एक गेस्ट ने हिंट देंगे? हम तीनों में सबसे ज्यादा उम्र जानता है उस बंदे को। अच्छा मतलब इतनी बड़ी हिंट है, मतलब उम्र देखें, मैं जो हिंट दे रहा हूँ ना कि एक हिंट हो जाती है वो यही है कि देखें आपने जो ये भी सवाल किया ना उनको आप दोबारा गो थ्रू करें, उसके अंदर अगर आप कहते हो मैं आपको एक पिन पॉइंट कर देता हूँ, मतलब इस क्वेश्चन को भी अगर कि अभी वो सैर सपाटे कर रहा है क्वेश्चन पे ले आया है और मैंने आगे से ये भी कह दिया कि सबसे ज्यादा उम्र फैमिलियर है उस पर्सनालिटी से, तो फिर उम्र का दिमाग इस टाइम कहीं और है। एक मिनट मुझे एक और चीज बताएं, आपने मुझे कहा था कि जी स्पोर्ट्स से डायरेक्टली उनका ताल्लुक नहीं है, सही कहा, लेकिन स्पोर्ट्स में एसोसिएटेड रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी के वो जर्नलिज्म स्पोर्ट्स का भी उन्होंने किया? नहीं किया स्पोर्ट्स का जर्नलिज्म का, हमने स्पोर्ट्स का नहीं किया था, वैसे जर्नलिज्म का वो आप इसी फील्ड में देख लेना। ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज बताएं, क्या ये पीसीबी में किसी बड़े ओहदे में रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी बड़े ओहदे में बिल्कुल रहे हैं। 17 क्वेश्चन, क्या ये पर्सनैलिटी जो चेयरमैन है पीसीबी चेयरमैन रहे हैं? हां जी बिल्कुल रहे हैं। 18 सवाल, PSL को पाकिस्तान में लेके आने में इनका रोल रहा है? हाँ बिल्कुल क्या भी सर, नहीं नहीं बिल्कुल रहा है। 19 क्वेश्चन इनका, मैं लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं नाम लूंगा, वो फेमस कहा जाता है ऐनक लगाते हैं चिड़िया कहा जाता है कि चिड़िया, बिल्कुल आपने जी नजम सेठी भी नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मैं 7-8 क्वेश्चन में वो कर रहा था। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमजा ने जो मुझे दिया ना कि हिंट दिया था इसने कि जी आप अपने क्वेश्चंस को रिकॉल करें, फिर ये कहा कि जी क्रिकेट से उनका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली, तो ऑब्वियसली जो फेमस पर्सनैलिटी फिर आपने पूछनी थी, तो नहीं जी हमजा भाई फेमस तो हमारे करंट जकाशरम साहब भी हैं। नहीं नहीं वो तो चले किस और चीज में, लेकिन हमजा भाई ने काफी यार क्लैपिंग अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी पूछी, नहीं बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से लास्ट क्वेश्चन पे आके, और वो तो मैं एक वो 12 क्वेश्चन से ना मैंने 16 तक वो ऐसे इमरान रियाज खान साहब की तरफ मैं चला गया था, उमर लेकिन मुझे याद आया ना कि भाई कौन से है ना इस गेम के माहिर है, मुझे था कि ये कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं
तो ये है कि जैसे आपने देखा कि मैं तो जीत गया हूँ, अब हमजा भाई की बारी है, तो अब लेट्स सी वो नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड्स हमारी अच्छी लगी है कसौटी की, तो डेफिनेटली अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ढेर सारी कसौटी की वीडियोस आने वाली है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।